हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 9:30 बजे क्लास होती है। तो आ जाइए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है दोस्तों, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों को क्लास की टाइमिंग पता है, रोज सुबह 9:30 बजे होती है और ग्रुप डी में पूरे 25 नंबर लेके आने हैं। तो डेली सुबह 9:30 बजे क्लास अटेंड करना ना भूले। इट इज योर प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और दोस्तों डेली 1 PM पर अनअकैडमी पर भी आप लोगों की फ्री क्लास होती है। साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग इस क्लास में आके देखा करो, आप लोगों को यहां पर रैंक भी मिलती है। आप लोगों की रैंक कितनी आ रही है? रोज 6-7 हजार बच्चे क्लास में लाइव आते हैं, तो आप लोगों को यहां पर रैंक भी मिलेगी। आप भी आके देखो, ठीक है। तो क्या करना होगा इस क्लास के लिए? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें, नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर लें। यहां पर स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने इस क्लास की लिंक कमेंट में भी दे दूंगा नीचे, तो वहां से भी आप लोग सीधे जुड़ सकते हो। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग लगा लीजिएगा नीरज11 और इस क्लास में एंटर आप लोग कर दीजिए, कर जाना, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली शाम को 4 बजे हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट करा है। तो आज कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं? मैंने आप लोगों को सारी हड्डियां बता दिया, लेकिन दोस्तों तब तक आप लोगों का पूरा कंकाल तंत्र नहीं होगा, तब तक आप लोग इसके जोड़ नहीं पढ़ लो, है ना। तो सारे जोड़ हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से जॉइंट्स होता है, हिंज जॉइंट कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, शाम को 4 बजे। और दोस्तों ग्रुप डी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ और प्लान करी है। आप लोगों को पता है फ्राइडे और सैटरडे को कुछ स्पेशल होता है वाईफाई स्टडी के द्वारा। तो आप लोगों को पता है जो ग्रुप डी का पहला पेपर हुआ था वो 17 सितंबर 2018 को हुआ था। दोस्तों इसकी 3 शिफ्ट हुई थी। कितनी शिफ्ट हुई थी? 3 शिफ्ट हुई थी। तो क्या मैं आप लोगों को बता दूँ क्या कि एग्जाम का पहला दिन कैसे था, जिससे आप लोगों को पता पड़ जाए ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो आज शाम को सात बजे मैं 17 सितंबर जो कि ग्रुप डी का पहला दिन था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस करवा दूंगा शाम को 7 बजे, ठीक है। रात को 9 बजे 9 PM पे क्या करूंगा, 18 सितंबर को पूछे गए क्वेश्चन, क्लियर। और दोस्तों 19 सितंबर को पूछे गए क्वेश्चन कल सुबह 7:30 बजे करवा दूंगा, ठीक है, कल 7:30 बजे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। दोस्तों अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप लोग नीरज 11 कोड लगा के डिस्काउंट पा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। और देखिए आप लोग मुझे 2020 की थीम भी बताएंगे कि इसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे की। देखो पहले समझते हैं बायोडायवर्सिटी क्या होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में केवल कुछ ही स्पीसीज पाई जा रही है, जैसे मान लो केवल बंदर पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या कोई डायवर्सिटी है क्या? नहीं। लेकिन अगर किसी एरिया में बंदर भी पाए जा रहे हैं ना, मछली भी पाई जा रही है, पानी भी पाया जा रहा है, बहुत आप लोगों के जीवन बहुत अलग प्रकार का पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे का, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसकी थीम याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें 2020 की थीम की, तो इसकी 2020 की जो थीम थी वो थी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और आपको साथ में 2019 की भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस बार भी NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 2019 की क्या हो जाएगी? अवर बायोडायवर्सिटी अवर फूड अवर हेल्थ। क्या है 2019 की थीम? अवर बायोडायवर्सिटी अवर फूड अवर हेल्थ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 मई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन। गति के दोस्तों 3 समीकरण होते हैं ना, तो जो उसमें से दूसरा समीकरण है वो आप लोगों को किसके बीच में रिलेशन बताता है, बताइए। तो 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है v बराबर u प्लस at, चलिए ठीक है। जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण होता है ये होता है आप लोगों का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इस सेकंड के बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड के बारे में। एक बार वेट करिए, ये क्या हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है।
तो देखिए आप लोग मुझे बताइए, एस क्या होता है दोस्तों? विस्थापन होता है। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग, मतलब स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी कितनी थी। ए क्या है? त्वरण है, समझ गए। और इस इक्वेशन से, इस समीकरण से आप लोग निकाल सकते हो विस्थापन। तो भैया किस किस के बीच में संबंध प्रदान है आप लोगों का? क्या पोजीशन और इंपल्स? इंपल्स कुछ आ रहा है कि इसमें आवेग नहीं है ना? पोजीशन और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो देखिए बहुत जने सोचेंगे सर देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है तो सर ये देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम भी है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि जब 10 सेकंड के बाद में या 20 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है वी। इस कहीं इक्वेशन में वी आ रहा है क्या? नहीं। तो यानी आप लोग वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन नहीं बता सकते। मैं आप लोगों को बोलूं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी इतनी थी, प्रारंभिक वेग कितना था, त्वरण आपको दिया हुआ है कि इस समय में उसकी पोजीशन क्या होगी, कितना विस्थापन होगा, बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? रिप्रोडक्शन का एक मेथड है मुकुलन। तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो इस मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? देखिए आप लोग चाहते हैं इस संसार में जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी प्रजाति है, वो क्या चाहती है? विलुप्त होना चाहती है क्या? नहीं, वो चाहती है वो विलुप्त नहीं हो। इसके लिए दो उसके पास में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि दोस्तों वो अमर हो जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो रिप्रोडक्शन करे यानी जनन करे। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन ही बचता है। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, और एक होता है असेक्सुअल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? सेक्सुअल में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, या फिर आप लोग बोल सकते हो केवल और केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल में क्या होता है? फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, या फिर आप लोग बोल सकते हो केवल और केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ह्यूमंस में कैसा होता है? सेक्सुअली होता है आप लोगों का। क्लियर है क्या? अगर हम लोग बात करें असेक्सुअल की, तो ये आप लोगों के बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों का एक हो जाएगा फिजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विखंडन। एक आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों बडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुकुलन। तो आप लोगों से यही पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो इस मेथड से कर रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट, है ना? तो बडिंग के दो एग्जांपल याद रखोगे, एक तो हाइड्रा, एक हाइड्रा जीव होता है वो भी इस बडिंग से ही रिप्रोडक्शन करता है, और यीस्ट ये भी किससे करता है? इसी से करता है। सर ये होता क्या बता दो। देखो इधर आओ, देखो यहां पर क्या होगा, कोई जीव होता है ना, जीव इसमें कुछ निकलेगा, बड टाइप का निकलेगा, कुछ निकलेगा, ग्रोथ करेगा। देखो अभी ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और अलग टूट गया है ना, अलग टूट गया, तो ये एक अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव था। तो बडिंग में क्या होता है, ऐसा कुछ निकलता है दोस्तों, बड टाइप का है ना, एक बड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, फिर जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है ये आपका अलग हो जाता है। तो देखो ये अलग जीव बन गया, ये अलग जीव बन गया। समझ में आ गई बात को? अगर एग्जाम में पूछा जाए अमीबा किससे करता है, तो अमीबा करता है दोस्तों बाइनरी फिजन से। अमीबा किससे करता है? बाइनरी फिजन से। इसको हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। इसमें क्या होता है, ये जो आप लोगों का कोई भी जीव होता है ना, ये आप लोगों का दो पार्ट में टूट जाता है, दो पार्ट में। तो ये अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव बन गया। तो अमीबा का पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे बाइनरी फिजन। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। हाइग्रोमीटर जो होता है, क्या मापने के लिए यूज करते हो आप लोग हाइग्रोमीटर का? तो आप लोगों को बताया दोस्तों, ये एयर है, मतलब हर जगह की एयर अलग अलग होती है। अगर मुंबई में जाओगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी आप लोगों को जो आर्द्रता होगी ज़्यादा होगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जयपुर की, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो हर जगह ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है? वायु में जल वाष्प की मात्रा, या एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ही क्या रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ना, वो क्या नापता है दोस्तों? आर्द्रता ही नापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए रिलेटिव डेंसिटी होता है, आपेक्षिक घनत्व, ये किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। क्लियर है क्या? ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगर पूछा जाए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो याद रखोगे लैक्टोमीटर से। समझ गए बात को? अगर समुद्र की गहराई पूछी जाए किससे मापी जाती है, तो ध्यान रखोगे दोस्तों फैदोमीटर से। किससे? फैदोमीटर से। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी बताइए।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। तो एक चीज ध्यान रखें, एल्यूमिनियम क्या है दोस्तों, मेटल है, धातु है। जितने भी धातु होते हैं इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति की। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से क्लिक कर दोगे कहां पर ये क्षारीय प्रकृति का है, अल्कलाइन बोल लो या बेसिक बोल लो। लेकिन ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसे मेटल है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, अम्ल की तरह भी बिहेव करते हैं, क्षार की तरह भी करते हैं। तो इस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी, ना ये अम्लीय है ना क्षारीय है, उभयधर्मी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला दे देता हूँ तो ध्यान रखें, Al2O3 ये आप लोगों का क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, और एक आप लोगों का ZnO, ये आपका जिंक का ऑक्साइड है। तो ये दोनों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है दोस्तों, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे बताएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला धातु तत्व क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, ये आप लोगों का एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, समझ गए बात को। इसके बाद में आता है हीलियम, हीलियम भी आप लोगों का नॉन मेटल है। इसके बाद में आता है लिथियम, लिथियम आपका कैसा है दोस्तों, मेटल है, धातु है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले सबसे हल्के धातु का नाम बताओ, तो लिथियम सबसे हल्का धातु भी है, सबसे हल्का धातु भी है, ध्यान रखेंगे, है ना। देखो इधर आओ, देखो ये रही आप लोग की पीरियोडिक टेबल, ये रहा आप लोगों का हाइड्रोजन, ये रहा हीलियम, ये रहा आप लोगों का लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम, ये रहा रूबियम, ये हो गया सीजियम, ये हो गया फ्रांसियम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो पहला आप लोगों का ग्रुप है, पहला जो वर्ग है ना, पहला जो वर्ग है, इसमें सभी के सभी मेटल्स है, बस इकलौता नॉन मेटल कौन सा है, ये आप लोगों का हाइड्रोजन है, इसके अलावा सारे के सारे मेटल है। तो जो लिथियम है ये भी आप लोगों का मेटल है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है, आप लोगों को पीरियड नंबर बताना है ब्रोमीन का, ब्रोमीन का पीरियड नंबर बताना है कि ब्रोमीन जो है उसका पीरियड नंबर क्या है, तीसरे पीरियड में होगा, पांचवे में होगा, दूसरे में होगा, चौथे में होगा। तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए यार। देखो ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है, इतना तो आप लोग जानते ही हो कि पहले आवर्त में केवल और केवल क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है, इतना जानते हो आप लोग, ये जानते हो। इधर आएगा आपका नियॉन, इधर आएगा आर्गन, इधर आएगा क्रिप्टॉन, इधर आएगा जिनॉन, इधर आएगा रेडॉन, इतना तो जानते ही होंगे यार। दोस्तों नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, अरे नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है, यानी इसके पास वाला जो होगा उसका कितना होगा, 9 होगा। तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन आपका इधर आएगा, और फ्लोरीन के नीचे तो पता होगा, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, फिर आप लोग का ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन आता है। तो बताइए आप लोगों से किसका पूछा गया है, ब्रोमीन का पूछा गया है। तो ये रहा आप लोगों का ब्रोमीन, तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो, देखो ये रहा ब्रोमीन, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन का जो पीरियड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा। क्लियर है क्या, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बोला गया है अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है किसमें मापी जाती है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है किसमें मापी जाती है। ध्यान रखेंगे जो अर्थ है और सन है, इन दोनों के बीच के सेंटर्स की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, तो 1.5 × 10^11 मीटर, ठीक है, 1.5 × 10^11, लेकिन एग्जैक्ट डाटा क्या इसका 1.49 ऐसे कुछ करके। तो देखो इतने सारे मीटर बराबर क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, बैरोमीटर पठन
या बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम की दशा को इंगित करता है? मतलब अगर बैरोमीटर में टूडिंग मतलब एकदम से फॉल हो रहा है तो ये आप लोगों को किस प्रकार का मौसम बताएगा? तो आइए पहले हम लोग समझते हैं बैरोमीटर क्या होता है। देखिए बैरोमीटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। अगर इसकी रीडिंग एकदम से कम हो गई, इसका मतलब क्या है, जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो गया, एकदम से कम हो गया। अरे भैया यही मतलब होता है ना। अब समझते हैं ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ये हमारी पृथ्वी है, इसके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो अर्थ पे जो प्रेशर लगाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वायुमंडलीय दाब एकदम से कम हो गई तो यहाँ की जो एयर होगी क्या वो अर्थ पे फोर्स लगा रही होगी, क्या प्रेशर लगा रही होगी, क्या नहीं, वो तो इधर उधर कहीं पर चली गई होगी, क्योंकि एकदम से कम हो गया। एकदम से कम होने का मतलब है यहाँ की एयर यहाँ पर रही नहीं, इधर उधर चली गई। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉर्मी वेदर दोस्तों, तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, वस्तु को जब डैश पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और अभिवर्धित, इसका मतलब क्या है दोस्तों, बड़ा हुआ है ना, मतलब बड़ी इमेज बनाता, बड़ी आवर्जित बोल लो, आवर्जित। बताइए कहां पर रखेंगे आप लोग ऑब्जेक्ट को, जिससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक आभासीय प्रतिबिंब बने यानी वर्चुअल इमेज बने, सीधा प्रतिबिंब बने। तो एक चीज तो ध्यान रखो, जो आभासीय प्रतिबिंब होता है ना वो जिंदगी में हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूँ इमेज बड़ी बननी चाहिए, तो कहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्ट को रखें मुझे आप लोग बताइए। बहुत जने आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन सी एंड एफ, बहुत जने आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भी दे रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये आप लोगों का कॉनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये आप लोग जानते ना सभी चीज दोस्तों। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको बोला जाता है पोल, और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव। आप लोग जानते हो कि ये जो आप लोगों का मिरर है ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा। इस स्फेयर के जो सेंटर होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ध्यान रखेंगे दोस्तों पोल से जितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे आधे डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये हो गया आप लोगों का फोकस। अब बस आप लोगों को ये बताना है ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखूं, यहां 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 पर। देखो एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर की ओर रखोगे, जैसे मान लो यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर कहीं पर भी आप लोग वस्तु को रखोगे ना तो उसकी इमेज क्या होगी, अरे उसकी इमेज क्या होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताओ। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। एट इंफिनिटी दोस्तों बहुत दूर रख दूंगा, बहुत दूर रख दूंगा तो इमेज कैसी बनेगी, मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो हमेशा छोटी इमेज बनेगी। किसकी मैं बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की कर रहा हूं। तो ये ऑप्शन में हो सकता है क्या, नहीं सर ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, आप लोगों को बोला जा रहा है बियॉन्ड और अवे फ्रॉम सी बोला जा रहा है, आप लोग बोल लो मतलब सी से थोड़ा सा परे या इसके और दूर, बिल्कुल दूर। मैंने क्या बोला, सी से जितना आप लोग उधर रखोगे आपकी जो इमेज होगी प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता यार। ठीक है, अब आप लोगों के पास में ऑप्शन बचा क्या, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी। नो डाउट दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि कोई वस्तु रखते हो तो उसकी जो इमेज बनती है उसका साइज क्या होता है, सेम साइज होता है, क्या होता है, सेम साइज होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। चलो हम लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोग कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, यहां पर रखोगे, यहां पर रखोगे, यहां पर, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो आपको इमेज कैसी दिखाई देगी दोस्तों, बड़ी इमेज बनेगी यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो आप बोल रहे हो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, बिटवीन एफ एंड पी, अगर इसके और इसके बीच में रखोगे तब भी इमेज बड़ी बनेगी क्या, बिल्कुल सही बात है। बिटवीन सी एंड एफ,
इसके और इसके बीच में रखोगे तब भी इमेज बड़ी बनेगी क्या? बिल्कुल बड़ी बनेगी। लेकिन हमको केवल और केवल बड़ी नहीं पूछा, एक आप लोगों को कंडीशन और दे दी कि इमेज आपकी वर्चुअल होनी चाहिए, सीधा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो इसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? बिल्कुल सीधी बनती है। और कैसी बनती है? मैग्नीफाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे बनी, इधर आ जाओ। देखो इधर आओ, प्लीज ध्यान से देखो, ये आप लोगों को दर्पण दिख रहा है क्या? बस मुझे ये बताओ, और कुछ मत देखो, बस दर्पण देखो आप। ये दर्पण दिख रहा है क्या? ये दर्पण है, ध्यान से देखोगे ये इसका फोकस पॉइंट है। ये आप लोग ध्यान से देखो, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, दिख गया। ये पोल है जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, चलो दिख गया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, देखो तो प्यारे दोस्तों इसकी इमेज देखो कहां पर बनी, ये इसकी इमेज है। क्या बड़ी हुई है क्या? हाँ सर बड़ी हुई है। और बिल्कुल सीधी है क्या? जैसे मान लो ये ए बी था तो ये आप लोग का ए बी ऐसे ही रहा है ना। तो आप लोग को दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इमेज आपकी बड़ी भी बनी है और आप लोगों की सीधी भी बनी है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोगों को यह बोला था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोग यहां पर आओगे ना, इमेज हमेशा बड़ी दिखेगी। तो यहां पर देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आप लोग इधर लेकर आए, ठीक है, ये तो ये जाके इमेज जहां पर बनती है ना, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनती है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी? इमेज सीधी होनी चाहिए, यहां पर तो उल्टी बन रही है। तो दोनों कंडीशन कहां पर सेटिस्फाइड होगी? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे। अरे समझ में आ गया क्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्लियर है क्या? और आप लोग एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, यही कारण होता है कि जो मिरर होता है, शेविंग मिरर जो होता है ना, वो कौन सा होता है? कॉनकेव, यानी अवतल। क्यों? क्योंकि दोस्तों शेविंग में क्या चीज जरूरी होती है? छोटी चीज को बड़ा करके देखना। जैसे मान लो दोस्तों वो यहां पर आप लोग कुछ शेविंग वगैरह कर रहा, तो उसको छोटी चीज को बड़ा करके देखना है ना। तो छोटी चीज को बड़ा करके देखना है और बिल्कुल सीधा देखना है। ऐसे थोड़ी दोस्तों, मान लीजिए वो आप लोग जहां पर भी कटिंग करवाने जा रहे हो, उसने आपके सामने मिरर रखा, अगर आप वो मिरर उल्टा इमेज बन गई तो आपके आपका सिर नीचे आ गया, पैर ऊपर आ गया, तो वो कटिंग ढंग से कर पाएगा कि नहीं? तो हमारी कंडीशन क्या है? एक तो बड़ा भी बने और सीधा भी बने। यही कारण है जो शेविंग में मिरर होता है वो कॉनकेव होता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। आज तो आ गया समझ, कल फिर भूल जाऊंगी मैं, तो वापस रिवीजन करो, भूलना क्यों है? कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो देखिए आप लोगों को पता है सॉलिड क्या होता है? जिसका फिक्स शेप होता है। तो फिक्स शेप क्या होता है? क्योंकि दोस्तों जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल आपस में अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, इसका शेप चेंज नहीं होता है। जबकि बात करें गैस में, आप लोगों को पता है गैस को इस कमरे में छोड़ोगे तो कमरे का जो आयतन है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर आप लोग डब्बे में डालोगे डब्बे का आयतन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैस में क्या होता है दोस्तों, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपस में बंधे हुए नहीं होते, कोई कहां पर भाग रहा है, कोई कहां पर भाग रहा है, कोई कहां पर भाग रहा है, तो इनके पास में गति होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो जिसकी गति ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताएंगे, जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के बच्चे को आप लोग क्या बोलोगे? तो आप लोगों को दो चीजें और बतानी है मगरमच्छ के बारे में, कुछ दो तीन चीजें और बतानी है। पहले तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी किसी भी जीव की बात करते हैं तो उसके काफी एड्रेस होते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं, आप लोगों का स्टेट मान लीजिए राजस्थान है, सिटी जयपुर है, कॉलोनी ये है, तो सिमिलरली दोस्तों मगरमच्छ का भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, कौन से जगत को बिलोंग करता है, एक तो आप लोगों को ये बताना है। इसका फाइलम क्या है, इसका संघ क्या है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। और इसकी क्लास क्या है, इसका वर्ग बता दो, और कुछ मत बताओ, ठीक है। तो अगर बात करें मगरमच्छ जंतु जगत का है, एनिमल किंगडम का, इसका किंगडम हो जाएगा जंतु जगत। अगर आप लोगों से इसका फाइलम पूछे तो ध्यान रखेंगे, जो भी एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम लोग कौन से फाइलम में रखते हैं? कॉर्डेटा फाइलम में। तो क्या हम भी कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं क्या? बिल्कुल हम भी कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। इनकी क्लास आप लोगों से पूछे तो दोस्तों इनकी क्लास होती है रेप्टाइल, रेप्टाइल यानी सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइल यानी सरीसृप। क्या हम भी रेप्टाइल्स में आते हैं क्या? नहीं।
जो हम होते हैं हम भी एनिमल किंगडम में आते हैं, हमारा फाइलम भी कॉर्डेटा है, लेकिन जो हमारी क्लास है वो रेप्टाइल नहीं है, हमारी क्लास क्या है, मैमल्स है, स्तनधारी है। समझ गए बात को? चलो ये तो समझ में आ गए। अब बात करते हैं मगरमच्छ के बच्चे को। तो ध्यान रखेंगे मगरमच्छ के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, हैचलिंग बोलेंगे। साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछे कीट के बच्चे को क्या बोलते हैं तो कॉडलिंग बोलते हैं कीट के बच्चे को। अगर आप लोगों से पूछ ले हंस के बच्चे को क्या बोलते हैं तो गॉसलिंग बोलते हैं हंस के बच्चे को। और दोस्तों छोटी मछलियां जो होती है मछली के बच्चे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिंगरलिंग। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो भोजन रखेंगे माउथ में रखेंगे इसमें आपके प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे माउथ में किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपका सलाइवा होता है लार, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जैसे जैसे दोस्तों नीचे आते जाएंगे और डाइजेशन होता जाएगा, तो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है ना वो यहां पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो तीन चार दिन पहले ही आया था ये आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा आप लोगों की, बताइए। तो ये हो गया आप लोगों का माउथ, ये हो गया दोस्तों फूड पाइप जिससे खाना नीचे आता है। कहां पर आता है? स्टमक में आता है, अमाशय में आता है। इसके बाद में खाना कहां पर जाता है? सर ये छोटी आंत में जाता है, फिर इसके बाद में ये आपके बड़ी आंत में। समझ गए? तो देखो कौन कौन हेल्प करता है, आप लोग भोजन को ये रखोगे माउथ, भाई उससे चबाओगे नहीं चबाओगे, ऑप्शन नंबर डी, ये तो भैया हेल्प कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों जो स्टमक होता है यहाँ पर भी डाइजेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। लीवर होता है, लीवर क्या करता है दोस्तों, लीवर से निकलता है बाइल जूस पित्रस, और यहाँ से जो ट्यूब एक आती है, और ये पित्रस कहाँ पर मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोस्तों पित्रस किसका पाचन करता है, भोजन में जो फैट होता है ना उसका पाचन करता है, तो लीवर भी हेल्प कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। हार्ट का कोई काम नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। देखो ये हो गई हमारी ह्यूमन आई, हमारी ह्यूमन आई में एक लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। होता कैसे है इसकी वर्किंग देखिए, जो भी प्रकाश की किरणें इस लेंस पे आती है, जो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये दोनों प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करके कहां पर मिला देता है, यहां पर रेटिना पर मिला देता है, और इस रेटिना पर बन जाती है इमेज यानी प्रतिबिंब। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताइए, देखो किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग यहां पर रखोगे तब भी देख पाओगे, फिर दूर को रखोगे तो होता क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि इमेज कहां पर बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यहां पर होता है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर होता है, तो लेंस क्या करता है, अपनी फोकल लेंस चेंज करता है। जैसे मान लो ऊपर जो सिलेरी मसल्स है ना, इसको कंप्रेस करती है, तो लेंस आप लोगों का ऐसा हो जाएगा। जब सिलेरी मसल्स इसको इलोंगेट करेगी तो लेंस आप लोगों का ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका एडजस्ट करेगा कि इमेज हमेशा रेटिना पर बने। तो आंख की जो फोकल लेंथ को चेंज करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिलेरी मसल्स का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, आंसर बताओ। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताओ, मसल्स का, हड्डी नहीं पूछा, हड्डी के ऊपर जो होता है ना मसल उसके बारे में पूछा है। तो सबसे छोटी जो मसल होती है मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों स्टेपेडियस। कौन सी हो जाएगी? स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछे तो वो हो जाएगा स्टेपिस। कहां पर होता है? कान में। और इस कान कि जो हड्डी है स्टेपिस, इसी के ऊपर जो मसल पाई जाती है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपेडियस, और यही हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल है। ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? स्टेपेडियस मसल की। तो देखो ये आप लोग की हो गई स्टेपिस बोन, और इसके ऊपर जो मसल्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेपेडियस मसल। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया,
समझ गए बात को, CH4 हो गया। बहुत सारी गैस ऐसी है जो अगर अर्थ के सराउंडिंग में रहे, एटमॉस्फेयर में रहे, तो जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाली जो हीट है, ये इसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो अर्थ के सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा होता है। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो गैसेज जो ये काम करती है, सन से आने वाली हीट को जो ट्रैप करती है, इन गैसेज को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, यानी हरित गृह गैसेज। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या बोलोगे आप लोग? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या बोलोगे, बताओ इसको क्या बोलोगे? अब पहले हम लोग समझते हैं ये फ्लैजिला क्या होता है। तो किसी भी बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, किसी जीवाणु की बात करें, तो यहां पर आप लोगों को क्या धागे नुमा संरचना देख पा रहे हो क्या आप लोग? दोस्तों इसकी जो सेल होती है ना, इसमें क्या होती है, ये धागेनुमा संरचना होती है। आप लोग देखो किसी भी बैक्टीरिया में से धागेनुमा संरचना होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फ्लैजिला। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या इस फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है, जीवाणु को गति कराने में हेल्प करता है। क्लियर है क्या? चलो ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही था। क्वेश्चन बोला जा रहा था कि यदि जीवाणु में बैक्टीरिया में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला हो, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इसके एक सिरे पे फ्लैजिला है, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा मोनोट्राइकस, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं इसको। और यहां पर देखो, ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है दोस्तों, केवल इसके एक सिरे पर फ्लैजिला है ना, दोनों साइड नहीं है ना, केवल एक सिरे पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर देखिए, इस वाले बैक्टीरिया में भी केवल एक ही तरफ थे, फिर आंसर ये क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल होना चाहिए ना। देखो आप लोगों को ऑप्शन में ये भी दिए हुए थे, नो डाउट, लेकिन हमारा ये आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों यहां पर केवल, मतलब इस मोनोट्राइकस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिर्फ एक तरफ फ्लैजिला हो और केवल एक हो। तो आप क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा था। नो डाउट दोस्तों इन्होंने बोला कि केवल एक सिरे पर, तो एक सिरे पर तो दोस्तों यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आंसर तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, है ना। ऑप्शन में शायद ये दिया हुआ है आप लोगों को, कौन सा, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला पेरिट्राइकस वाला, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब हम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसका पूछने का नजरिया समझना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो जब दोनों ऑप्शन में हो तो हम लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों, ये टिक करेंगे, समझ गए? अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ऑब्वियसली आपका आंसर ये हो जाता है पेरिट्राइकस, और अगर दोनों साइड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस, अगर दोनों साइड आपके फ्लैजिला होते हैं, समझ गए? चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहां से घूमे हुए भी एक तरफ आते हैं ना, देखो दोनों तरफ है ना ये, चलो आ जाओ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? आप लोगों को पता है जितने भी जीव है उनको हम लोग पांच किंगडम में, पांच जगत में बांटते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, और आपका एनिमल हो जाएगा। टोटल कितने जगत है? पांच जगत है। मैंने आप लोगों को बताया था जो मोनेरा किंगडम वाले जितने भी जीव है, इसमें किस प्रकार की सेल होती है जरा कमेंट करके बताएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिनके सेल में न्यूक्लियस केंद्रक वेल डेवलप्ड नहीं होता, एक सुविकसित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। जबकि इन सभी में किस प्रकार की सेल होती है, ध्यान रखेंगे यूकैरियोटिक होती है। कौन सी होती है दोस्तों? यूकैरियोटिक होती है। चलो ये समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा फाइलम, सॉरी मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं आप लोग के? यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। जबकि बात करें इन तीन किंगडम के जितने भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। चलो आ जाओ, कुछ बात हम लोग समझते हैं। तो इनमें से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायटम। ये डायटम किस में है पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, जो प्रोटिस्टा आप लोगों का किंगडम होता है ना, प्रोटिस्टा किंगडम, क्लियर? इधर लिख देता हूं,
देखो इस वाले किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोटिस्टा किंगडम की। तो प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से जीव होते हैं जो यूनिसेल्युलर हो और साथ में यूकैरियोटिक हो? पहली बात क्लियर है। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे दोस्तों? जो भी सिंगल सेल्ड एल्गी होता है ना, सिंगल सेल्ड एल्गी। एल्गी क्या होता है? शैवाल, जल में पाए जाने वाले पौधे। क्लियर है क्या आप लोगों का दोस्तों? डायटम हो गया और प्रोटोजोवा, ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। जितने भी आप लोगों के प्रोटोजोवा होंगे, जो डायटम होंगे, जो एल्गी होंगे, सिंगल सेल्ड एल्गी, ऐसे शैवाल जो इसमें केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है, उन सभी को हम लोग किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो जो डायटम है ये आप लोगों के प्रोटिस्टा का है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें मोनेरा, तो दोस्तों मोनेरा का मतलब ध्यान रखो बैक्टीरिया। मोनेरा का मतलब क्या ध्यान रखोगे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आप लोगों का किस में आएगा? मोनेरा में आएगा। ये साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। आप लोग बोलेंगे ये तो शैवाल है, इसको तो प्रोटिस्टा में आना चाहिए था। दोस्तों ये रियल में एक बैक्टीरिया होता है, ये दिखता शैवाल की जैसे है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल बोलते हैं। ये भी आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। तो ये भी किस में आएगा सर? मोनेरा में आएगा। ये माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। अगर आप लोगों से पूछे सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो अगर ये बैक्टीरिया है तो ये भी किस में आएगा? मोनेरा में। बैक्टीरिया का मतलब ही ध्यान रखो मोनेरा। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से ग्रुप डी में पूछा गया था, बता दूं क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो माइकोप्लाज्मा जीव है इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक पाई जाती है या यूकैरियोटिक पाई जाती है? बताओ जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बताओ, जो माइकोप्लाज्मा है इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक पाई जाती है या यूकैरियोटिक पाई जाती है? अभी मैंने बताया माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। मोनेरा किंगडम में जितने भी जीव होते हैं उसमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी ना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या आया, ध्यान से समझो दोस्तों। कोई भी सेल लोगे, इसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति, ध्यान से समझिएगा। और इसके अंदर जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन सभी में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल तो पाई जाती है लेकिन सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दोस्तों एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेंगे, इसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। अरे समझ गए क्या? तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, एक और बता दूं अगर आपकी इच्छा हो तो। दोस्तों समझ में आया नहीं आया बताओ, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई नहीं आई कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? सर ये कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है किसी भी कोशिका की जो सबसे बाहरी वाली सतह होती है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सभी में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा आप लोगों का जीव है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल तो कौन सी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती। एक और चीज सुन लो, फिर गलती करोगे एग्जाम में। एग्जाम में आप लोगों से और क्या पूछा जा सकता है कि भैया इनमें से कौन सा इस प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है? तो प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों से पूछा ही जाता है। चलो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा दोस्तों, इसकी नाम की स्पेलिंग में ही क्या है, इसके एग्जाम्पल छुपे हुए हैं, पी से याद रखोगे दोस्तों, प्लाज्मोडियम। अगर आप लोगों से पूछे कि जो प्लाज्मोडियम जीव है, समझ गए क्या, ये कौन से किंगडम में आएगा? तो ये आपके आएगा प्रोटिस्टा में। इस पी से एक चीज और ध्यान रखोगे, चलो अभी इतने रख लेते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, इस ए से याद रखोगे अमीबा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और कवर करवा दूंगा। तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझो, जिनसे जितनी जानकारी हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आपको करनी है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? देखिए हम लोग क्या जानते थे
कि जो एटम होता है, डॉल्टन ने क्या बताया सबसे पहले अगर परमाणु के बारे में, किसने बताया? डॉल्टन ने बताया। डॉल्टन ने क्या बोला था कि कोई भी अगर पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए ये एक आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ है, तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि जो परमाणु है वो सबसे छोटे कण है, लेकिन इनकी बात गलत साबित हो गई, क्योंकि इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जो एटम से भी छोटे थे। चलो इस बात को आप लोग भूल जाओ। अब बात आती है कि परमाणु का नाभिक मॉडल। देखिए इन्होंने एटम के बारे में बता दिया, इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर कुछ नहीं बताया कि एटम ऐसा होता होगा। रदरफोर्ड ने बताया इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इन्होंने बताया कि कोई भी एटम होता है ना, इसका अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, और बीच में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इस भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक। तो एटम के नाभिक के बारे में किसने बताया, या नाभिक की खोज किसने करी, या नाभिक मॉडल किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने ये चीज बताई कि एटम में, परमाणु में बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है, इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया, ईयर पूछ लिया आप लोगों से, तो ध्यान रखो क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, ये ईयर पूछ लिया सिंपली आप लोगों से कि जो आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये कौन से ईयर में दी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905 में। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है आप लोग जानते होंगे, E=mc² दोस्तों, यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसी है आइए हम लोग समझते हैं। देखो कोई भी अभिक्रिया करवाओ, जैसे मान लो ये कोई दो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इन्होंने अभिक्रिया करी तो कुछ उत्पाद मिला, कुछ प्रोडक्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए 100 ग्राम का था और जो प्रोडक्ट था वो मान लीजिए 99 ग्राम का ही रह गया, क्या 1 ग्राम में कमी हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। तो ध्यान रखेंगे आइंस्टीन ने ये बताया कि जो मास होता है, द्रव्यमान और एनर्जी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसका मतलब जो भी द्रव्यमान में कमी हुई वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में। तो जितने भी द्रव्यमान में कमी हुई, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में कमी आ गई, 1 किलोग्राम, तो इसको गुना कर दो सी, सी क्या है? प्रकाश का वेग, कितना होता है? 3×10^8, तो उसके स्क्वायर से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी एनर्जी डेवलप हुई होगी, समझ गए? तो ये है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। कौन से ईयर में दी थी? 1905 में दी थी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नब्बे ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है? अब आप लोग बोलेंगे सर ये मोल क्या है, तो मैंने आप लोगों को बोला 24 केले हैं आपके पास में, 24 केले हैं, इसमें कितने दर्जन केले होंगे बताओ, कितने दर्जन केले होंगे? इंग्लिश वाले कितने डजन केले होंगे बस, तो बताओ कितने दर्जन केले होंगे? अगर टोटल नंबर ऑफ केले 24 है तो इसमें कितने दर्जन केले होंगे? आप लोग बोलेंगे एक दर्जन का मतलब होता है 12, 24 केले हैं तो आपके हो जाएंगे 2 दर्जन केले, समझ गए बात को? तो सिमिलरली जैसे दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 होता है ना, दर्जन का मतलब 12 होता है, उसी प्रकार मोल भी क्या है? एक संख्या है जिसका मतलब होता है 6.023×10^23, जस्ट सिंपल एज डैट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 90 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे इसके, वाटर के, तो देखो इधर आओ, तो ध्यान रखेंगे H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है ना, मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान, वो होता है 18 ग्राम, कितना होता है? 18 ग्राम। आप लोग बोलेंगे मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर 1 मोल आप लोग पानी लोगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम होगा। आपको टोटल कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम, तो मोल बताओ, 1 मोल में 18 ग्राम आते हैं, 90/18 करोगे यानी कुल मोल कितने हो गए? 5 मोल, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है, नम्य है, समझ में नहीं आया, फ्लेक्सिबल क्या होता है? दोस्तों यहां पर इंग्लिश वर्ड देखो, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है? अगर किसी भी मटेरियल को
देखो डक्टाइल क्या होता है, अगर किसी किसी को खींच के आप लोग तार में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो होती है दोस्तों किसकी, सिल्वर की, सॉरी इसकी, ए जी अर्जेंटिनम सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन पीतल के घटक है। पीतल क्या है दोस्तों, एक अलॉय है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या है, किसी दो धातु से मिलकर बना होगा या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होगा, तो बताओ जल्दी से बताएं क्या आप लोगों का आंसर होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो ब्रास होता है पीतल, वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर कितना होता है इसमें, 70%, जिंक होता है कितना, 30%। तो कॉपर और जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में, ब्लड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होता है, बताइए। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन, आइए हम लोग समझते हैं। देखो अगर हमारे ब्लड की बात करें तो इस ब्लड में पाया जाता है 55% प्लाज्मा, कितना 55% प्लाज्मा, और 45% होता है कॉर्पस्कल्स। ये कॉर्पस्कल्स क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आप लोगों का प्लेटलेट्स। अगर 55% में बात करें तो क्या होता है, 90% होता है पानी, 7% होता है प्रोटीन, 2.9% होते हैं मिनरल्स और 0.1% होता है ग्लूकोज। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इस प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, चार प्रोटीन होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, चार प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है ना, रक्त का थक्का कैसे बनते हैं, जब आप लोगों को चोट लगती है तो रक्त की फिर क्लॉटिंग कैसे हो जाती है, आइए हम लोग समझते हैं। देखो इधर आओ, कुछ रिएक्शंस हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग के दौरान, रक्त के थक्के बनने के दौरान किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर पैर पे चोट लग गई, इस जगह चोट लग गई दोस्तों, यहां पर क्या आप लोग का ब्लड निकलेगा, क्या आपके ब्लड में क्या प्लाज्मा होता है, क्या प्लाज्मा में क्या एक प्रोटीन होता है, क्या प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों ये प्रोटीन आप लोगों का कहां पर मिला, प्लाज्मा में, या फिर आप लोग बोल सकते हो ब्लड में। और जहां पर चोट लगती है वहां से दोस्तों क्या निकलता है, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के दो सब्सटेंस निकलते हैं। तो ये तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, किसका, थ्रोम्बिन का। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये आपके हिपेरिन को, ये हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है, हिपेरिन को, हिपेरिन, हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। ये हिपेरिन क्या है, ये हिपेरिन आपके ब्लड में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो थ्रोम्बिन क्या कर देता है, हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। चलो आगे चलो, फिर ये जो थ्रोम्बिन होगा ना, ये किसके साथ में मिलके, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से के साथ में मिलके क्या बना लेगा, फाइब्रिन बना लेगा। ये फाइब्रिनोजन क्या है आप लोगों का, एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। तो फाइब्रिन बनाने का मतलब क्या, रेशे बना लेगा, इसे फाइब्रिन बना लेगा। तो मान लीजिए अगर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे तो अंदर से कोई चीज बाहर आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो फाइब्रिन है और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसके साथ में मिलके पूरा से जाल सा बना लेंगे जिससे ब्लड बाहर नहीं आ पाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉट। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस में विटामिन के आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, इतनी सारी जो कहानी बताई मैंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में दिखे थे, फाइब्रिनोजन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं आज का शेड्यूल क्या है, आज का शेड्यूल क्या है, शाम को 4 बजे तो मैं सारे आप लोगों को जॉइंट्स पढ़ा दूंगा, हमारी हड्डी में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, शाम को 4 बजे आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। और ग्रुप डी का जो पहला पेपर हुआ था वो हुआ था 17 सितंबर को, 3 शिफ्ट में हुआ था। तो ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आज आपको शाम को 7 बजे करवा दूंगा। देखो तो सर अपनी तैयारी कैसे चल रही है, शाम को 7 बजे केवल 17 सितंबर के ही करवाओगे क्या, नहीं दोस्तों 18 के भी करवाऊंगा, 18 के करवाऊंगा दोस्तों रात्रि 9 PM पे, समझ गए क्या, केवल 18 के करवाओगे क्या, अरे 19 के भी करवाएंगे, 19 के करवाएंगे कल सुबह, कल सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, अरे समझ गए क्या, कोई दिक्कत है क्या।
और आप लोगों को पता है एनिमल किंगडम जो था ना, एनिमल किंगडम जंतु जगत, उसका मैंने आप लोगों को एक पार्ट करवा दिया था। जो सेकंड पार्ट होगा जंतु जगत का वो होगा आज कब, 5 बजे 5 PM पे, ठीक है? ये चीजें क्लियर है नहीं है, जल्दी से बताओ। एनिमल किंगडम जो था ना और बताओ। हाँ जी, ये सारे के सारे YouTube पर होंगे, वाईफाई शेड YouTube चैनल पे होंगे, ठीक है? और दोस्तों मिलते हैं दोपहर 1 बजे वाली क्लास में, जो कि होती है आपकी अनअकैडमी पर, बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार क्लास, आप लोग इसको मिस ना करें। आप लोगों को यहाँ पर आपकी रैंक भी मिलती है, ठीक है? एनिमल किंगडम होगा शाम को 5 बजे, ठीक है? चलो आ जाओ। तो ये आप लोग दोस्तों मेरा नाम सर्च कर लीजिए अनअकैडमी पर, मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगी वो क्वेश्चंस वाली क्लास, है ना? गोल सेलेक्ट कर लेना, SSC एग्जाम्स इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आ जाना। और अगर आप लोगों से पहले कोड पूछा जाए, कोड बताओ, तो कोड डाल देना नीरज 11, कोड डाल देना नीरज 11 और कर देना अनलॉक, ठीक है? और दोस्तों कल मैं आप लोगों को ग्रुप डी के न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा बोलते हो सर ग्रुप डी के न्यूमेरिकल्स करवाओ। तो जो कल की क्लास डेडिकेटेड रहेगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगी, ठीक है? फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए कल वाली क्लास डेडिकेट रहेगी, 9:30 वाली। इतनी सी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आप लोग को सारे कोर्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है, हर क्लास की आपको PDF मिलेगी। तो SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करो दोस्तों। जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, SSC बैंक, UPSC, IIT, JEE, किसी छोटे भाई को दिलवाना है, तो यूज कोड नीरज 11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। जैसे आप लोग SSC का लेना चाहते, तो 12 महीने का 6500 का है, रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, तो ये आपका 5,850 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं दोपहर 1 बजे अनअकैडमी की क्लास में, बाकी की चर्चा करेंगे दोपहर 1 बजे। बाय बाय, टेक केयर।